नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने ग्रो बैग्स के लिए, अपने गमलों के लिए मिट्टी किस प्रकार तैयार करें, क्या कॉम्बिनेशन मिट्टी की रखें कि हमारे पौधे मरे नहीं, उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो और अच्छे ग्रोथ करें। तो दोस्तों, अगर आपने आप सभी मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक इसलिए पहुँचे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमें गार्डन सॉइल चाहिए होगा करीब 35-40%, क्योंकि पौधों की ग्रोथ के लिए सॉइल बहुत ज़रूरी है। हम अपने गार्डन सॉइल को ले लेंगे 35-40% के आसपास। वर्मी कंपोस्ट आप ले लीजिए 20%। 20% वर्मी कंपोस्ट इसलिए हम लेंगे क्योंकि वर्मी कंपोस्ट मॉइस्चर को होल्ड करने में सक्षम होता है। तो आपके पौधों को, क्योंकि ग्रो बैग में हमारे पौधे लगते हैं, हम ग्रो बैग की मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें पानी की कमी होने की वजह से पौधे मरने लगते हैं, सूखने लगते हैं, तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों, कोकोपीट। तीसरे नंबर पे दोस्तों हम लेंगे वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। अगर काउडंग कंपोस्ट ले रहे हैं तो वो पूरी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए। नम काउडंग कंपोस्ट होगा तो उसमें कुछ बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि हमारी मिट्टी को ख़राब कर देते हैं, इसलिए काउडंग कंपोस्ट लें तो अच्छी सूखी हुई काउडंग कंपोस्ट लें, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं काउडंग कंपोस्ट की जगह। तो जितनी मिट्टी उतनी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, एक रेशियो आप समझ लीजिए कि मिट्टी और काउडंग कंपोस्ट बराबर हिस्सों में लीजिए। उसके बाद दोस्तों, हमें 5% से 10% रेत लेनी है। अगर मोटी रेत है तो ज़्यादा बेहतर है। रेत का काम होता है कि जो पानी हमारे हम अपने ग्रो बैग्स में डालते हैं तो पानी इकट्ठा नहीं होता है, मॉइस्चर बनी रहेगी मिट्टी में, पर वो पानी की वजह से इकट्ठा होने की वजह से जहाँ मिट्टी में पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ रूट्स को डैमेज करता है, वो रूट रॉट का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हमें बालू रेत लेना है और थोड़ी सी नीम खली। नीम खली हमारा एंटी फंगस का काम, फंगल का काम करता है, फंगस रोकता है, चींटियां या फिर जो फंगस हमारी मिट्टी में हो रहे होते हैं उन्हें प्रिवेंट करता है। इसके अलावा एक मुट्ठी बोन मिल पाउडर। बोन मिल पाउडर दोस्तों मिट्टी को उर्वरक बनाने में सहायक होता है। आप चाहें तो कोई फंगल पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ या टाइकोडर्मा, आप कोई भी एंटी फंगल पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ तत्व हैं जिन्हें हम मिलाएंगे अपनी मिट्टी को तैयार करें, इन्हें हम मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों देखिए, इस प्रकार इसमें कोई पॉलीथीन या ऐसा चीज़ जो मिट्टी में डीकम्पोस्ट ना हो वो हमें अपने बैग में नहीं भरना है, मिट्टी में नहीं रखना है, तो इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। जब भी हम ग्रो बैग में मिट्टी भरते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है उसकी मिट्टी तैयार करते समय, कि मिट्टी में पानी रुके नहीं। जब हम गमलों में पानी डालते हैं या ग्रो बैग्स में पानी डालते हैं तो वो पानी पूरे नीचे तक जाना चाहिए। मिट्टी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम पानी जब भी डालें तो पानी ऊपर सतह पे रुका ना रहे बल्कि नीचे तक जाए और ड्रेनेज होल से पानी बाहर आना चाहिए। तो हमें मिट्टी इस प्रकार ध्यान रखना है, इस प्रकार तैयार करनी है कि मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, और हाँ, मिट्टी में नमी भी बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम कोकोपीट का यूज करते हैं। इस प्रकार देखिए दोस्तों, हमारी ये मिट्टी तैयार हो गई है गमलों में भरने के लिए। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए एक ट्रे में बनाया, बाकी का जब मैं अपने गमलों के लिए मिट्टी पूरी तरह से तैयार करूँगा तो उसका भी एक छोटा वीडियो आप लोगों के साथ साझा करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।